इस महामारी के समय हम सब लोग अपने परिवारों के साथ अपने अपने घरों में महफूज हैं, और मैं और मेरा सिनर्जी परिवार भी फिजिकली दूर रहने के बावजूद एकत्रित हैं इस महामारी से लड़ने को। हमारे परिवार के सदस्यों ने बेहतरीन संदेश आप सबके लिए बनाए हैं, जिसे हम प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष एवं सीमाओं के पार से मेरे परिवार के सदस्यों ने आपके लिए संदेश भेजे हैं, जिन्हें हम आपके सामने रोज़ प्रस्तुत करेंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद सफीउल्लाह अंसारी, बनारस शहर का रहने वाला हूं। आप सभी को कोविड-19 से संबंधित एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। कोरोना वायरस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी घोषित कर दिया है। ये बहुत सूक्ष्म और प्रभावी वायरस है, जो मनुष्य के बाल की तुलना में करीब 900 गुना छोटा होता है। सभी को पता है कि ये वायरस चीन से शुरू होकर दुनिया में करीब 70 से ज़्यादा मुल्कों में फैल चुका है। ये बीमारी एक दूसरे के संपर्क में होने से फैलता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि इसे और आगे फैलने से रोका जा सके, जिसके लिए तमाम मुल्कों के साथ हम लोगों के भी मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसका मुख्य वजह यह है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आ सके और इसके इन्फेक्शन से बचा जा सके। हम सभी का कर्तव्य ये है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में परिवारों के बीच सुरक्षित रहें। आप सभी जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। दोस्तों, मैं सौरभ जैन, बनारस। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कोविड-19 महामारी इस समय जो हमारे देश में फैली हुई है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे बचने का कोई दवाई, वैक्सीन अभी नहीं बनी है, इसलिए इसका अभी एक ही इलाज है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। मैं दीपक आहूजा, वाराणसी का एक आम नागरिक हूँ। मेरी अपने सभी प्रिय मित्रों और देशवासियों से एक विनम्र निवेदन है कि वह कोविड-19 के इस महामारी के दौर में सबका साथ दें, घर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, ताकि हम इस परेशानी से निजात पा सकें। जय हिंद, जय भारत। असुख मानुष के हारते पारे ना, असुख निजेई हेरे जाबे। একদিন নতুন ভোর আসবে, সব ভয় আর যন্ত্রণার উপশম হবে। করোনা কখনো নিজের থেকেই আপনার কাছে আসবে না, যতক্ষণ না তাকে আপনি ডেকে আনবেন, আর একবার আসলে কাউকে ছাড়বে না। তাই আমি অভিশাপ, আমি অস্মিতা বারাণসী থেকে সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি, ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন।